हम लोगों को 10 साल बाद औलाद नसीब हुई। पहले तो मैं इस्लाम अपनाया, न जाने लोग मेरे बारे में क्या नहीं बोलते थे। मुझे बोलते थे तुझे श्राप लग गया है, पाप लग गया है, अब तो ऐसे ही कीड़े पड़ पड़ के मर जाएगा। पप्पा के बनियान पे देखो छींटे उड़े हुए हैं, खून के छींटे। काम तो ऐसा मत सोचना, अगल बकरा ही देता आज कैसा ही बन गया पप्पा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम इजहान का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, हमारा बेटा मोहम्मद इजहान, इसका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले और कैसे करने वाले ये आप लोग देखिए। आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक छोटा सा ब्लॉग समझकर देखिए इसको। हाँ। क्योंकि आज बहुत खुशी मिलने वाली है आपको, जो खुशी हम लोगों को 10 साल बाद मिली है ना। हाँ। उसकी बात ही कुछ अलग अलग होती है। हाँ। और आज का दिन हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा सेलिब्रेट करने वाले, क्योंकि आज से 1 साल पहले जो खुशी हम लोगों को मिली है ना, उसका तो कोई मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि वो खुशी की कोई वो ही नहीं है, हद ही नहीं है। तो यही सारे प्यारे मोमेंट्स मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करने हैं, तो चलो चलते हैं। आपको मैं बता दूं, ये मेरी पहली कार नहीं है, ये मेरी चौथी कार है ना। तो इन 10 साल के अंदर मैं 4 गाड़ियां अब तक ले चुका हूं, और माशाल्लाह। हाँ, जरूरत आने पे, बीच में लॉकडाउन हुआ तो मेरी दो दो गाड़ियां बिक गई, और बिजनेस भी कई बार लॉस हो गए मेरे। तो वो चक्करों में ऐसा होता है कि लॉस हो जाता है, अपनी चीज़ें चली जाती हैं, और ये मेरी चौथी कार है। आइए आगे, मैं आज का नज़ारा बहुत खास होने वाला है इंशाल्लाह। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने, जब अल्लाह देने पर आता है ना, कोई हैसियत नहीं, कोई आप लोग कुछ नहीं करता, अल्लाह बहुत बड़ा है। आइए बहुत खुश हो रहा है बहुत। हमारा मोहम्मद इजहान आपके सामने हाजिर है और अपने हाथों से खाना बांटेगा। तो यही हमारा तरीका है जन्मदिन मनाने का, यही हमें इस्लाम सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जन्मदिन के दिन केक काटते हैं और उसी केक को मुंह पर लगाते हैं, खेलते हैं उसके साथ। तो खाने की बेहद भी ना करें, अभी आप अनाज की कीमत नहीं, कीमत आप उसे पूछिए जो भूखा प्यासा है, अनाज के लिए तरस रहा है, आप उसे पूछिए कि वो खाने खाने के लिए कितना तरस है। तो जन्मदिन मनाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा इंशाल्लाह। और मेरे बेटे इजहान के लिए, मोहम्मद इजहान के लिए, इसके हयाती के लिए दुआ करें, ठीक है। बड़े सालों बाद, 10 साल बाद हमको औलाद हुई है, ठीक है। आप जानते ही हैं मेरी लाइफ के बारे में, मैं आपको सब कुछ अपने बारे में बता चुका हूँ कि हमने कैसे इस्लाम अपनाया, कैसे बहुत कुछ। चलिए बार बार नहीं बोलता, आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जन्मदिन मनाया जाता है, ये हमारा इस्लामिक तरीका है। आइए इंशाल्लाह, और सबको पसंद आएगा, चाहे कोई भी किसी भी मज़हब या धर्म के हो, सब लोग इस बात को मानते हैं कि भाई खाना कहीं पे भी वेस्ट ना करें। और ये खेलने वाले जन्मदिन जो मुँह पे लगाते हैं केक वगैरह, वो नहीं करें। आइए बेटा देखो कैसे तैयार हुआ है, आपका भतीजा आपका भांजा कैसे तैयार हुआ है देखो। ये मेरी अम्मी ने दी है चैन, ठीक है, इसकी दादी ने इसको ये चैन गिफ्ट किया है। तो गलत मतलब ना निकाले, बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत मतलब निकालते हैं। तो बता दूं मैं आपको, मेरे घर में मेरी जो फैमिली है वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, आप जानते ही। तो ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर सकता, थोड़ा समझ के लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो दुआ करो, बोलो के छोटे भाई बहन सब, इतने सारे भाई बहन अरे वाह, गर्व है गर्व है। क्या 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 लोग कर गया, खूब तो ना विचारतात, मला मराठी येते कभी मराठी आप लोग भी आ जाइए।
हमें हम डायरेक्ट देंगे आप डायरेक्ट कर रहे हो। चलो तो वाहू आज ईजान का जन्मदिन है। थैंक यू बोलो ईजान। औरत हैप्पी बर्थडे बोलो ईजान। हैप्पी बर्थडे ईजान। आज हैप्पी बर्थडे का जन्मदिन है तो सोचे आप लोगों के साथ एंजॉय करें। ए पूरी ये ना। थैंक यू ईजान। थैंक यू ईजान। एक और कोई किसी भी मजहब के हो सबको ये बात अच्छी लगती है। सब लोग ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि आप कभी भी कुछ ऐसी चीज़ करें ना जिससे आप ऊपर वाले को मना सकें। मैं आपको यहाँ का एड्रेस पता दे दूँगा और आप आइए इधर आकर आप डायरेक्ट इधर मदद करिए। ठीक है देखिए एड्रेस दिख रहा होगा आ जाइए मदद करिएगा बहुत ज़रूरत मदद हमेशा मैं आता हूँ यहाँ पर। हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता और हर बार वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता मुझे तो ये तो कई सालों से कर रहा हूँ मैं लेकिन बस ये कि दिखावा नहीं करता अब लेकिन ठीक है लोगों की जरूरत लोगों की अभी ये सवाल जो आप करते हैं लोग तो बेशक दिखा रहा हूँ मैं आपको दिखा के करना पड़े वो भी चलेगा अच्छी बात है लेकिन आप लोग भी करिए ऐसा और ये कहूँगा कि डायरेक्ट आकर भी आप इधर मदद पहुँचा सकते ठीक है। अगर आपका दिल करे हमारे साथ जुड़ने का तो आप हमें सपोर्ट करें सपोर्ट कर सकते हो और आप हमें मजबूत कर सकते हो आगे कुछ करने के लिए। चलिए आगे मिलते हैं अभी तो अभी घर पर जा रहे हैं मेरे अम्मी से भी आप लोगों को मिलना है बहुत दिन हो गए ना आओ मिलते हैं। तो आखिर मैं अपने अम्मी अब्बा के घर आ गया हूँ और ये ब्लॉग आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो और इतने टाइम के बाद आप मेरी अम्मी को भी देखेंगे मेरे आई को है ना आपको भी खुशी होगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोग ब्लॉग देख रहे हो ये है ना खुशी हो रही होगी। सॉरी चलिए मिलते हैं घर पर बात करिए। गिफ्ट है एक ये है और एक अभी खोल रही हूँ एक ये है ये जैकेट वाला ये इसकी पैंट पूरी तैयारी कर रहे हो की एकदम परफेक्ट आने वाला है इसमें देखो हैंगर भी लगा हुआ है मैं इसको हाँ टंगा सकती हूँ इसको मैं इजान के कपड़े को मैं टंगा भी सकती इसमें हैंगर के साथ जो अभी इसकी इजान की जो दादी है वो बोल रहे हैं कि अभी थोड़े टाइम के बाद ये बहुत सुंदर कलर भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है और दोनों बाप बेटे मैच हो जाएंगे ये पहनते उसके बाद जो लुक आएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बाप बेटे सेम हो जाएंगे ना पप्पा की बनियान पे देखो छीटे उड़े हुए हैं खून के छीटे तो ऐसा मत सोचना अगल बकर आज कसाई बन गए काम करके आए हो मदद करने के लिए इसको दो लग जाता है ना वो बनाने के लिए इसके लिए उनको लगाया अभी मैं बना हम लोगों को 10 साल बाद औलाद नसीब हुई। पहले तो मैं इस्लाम अपनाया न जाने लोग मेरे बारे में क्या नहीं बोलते थे मुझे बोलते थे तुझे श्राप लग गया है पाप लग गया है अब तो ऐसे ही कीड़े पड़ पड़ के मर जाएगा। लेकिन अल्लाह की जब मर्ज़ी होती है ना और जब अल्लाह जब कुछ चाहता है ना तो पूरी दुनिया देखती है वैसा ही हुआ आज। आज मैं देख रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ मेरी फैमिली बहुत खुश है मेरी फैमिली मुझसे दूर थी आज बहुत करीब हो गई है। कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ मैं आज मेरे बेटे का जन्मदिन है एक साल का हो गया आपका भतीजा आपका भांजा और अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ दीजिए उसकी हयाती बढ़े और हयाती में बरकत दे अल्लाह आप दुआ करो। तो बहुत खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आज मेरे बेटे का आपके भतीजे का आपके भांजे का जन्मदिन है तो आप लोग देखिए कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है अब तो घर के आंगन में ही खड़ा हूँ मैं बाहर ही खड़ा हूँ
आओ आगे देखते बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बाकी नेक काम करिए, चाहे आप कोई मजहब से हो, कोई धर्म से हो, मैटर नहीं करता, आपकी अच्छाई ज़रूरी है। आप अच्छा करो, कोशिश करो, आप अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। और इस्लाम तो बेशक सवाल ही नहीं उठता है, इस्लाम के अंदर हर वो बारीक बारीक बातें अगर आप उस पर गौर करेंगे तो बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल जाएगा आपके। मुझे यकीन है इस बात पे, तो मेरी ज़िंदगी में हुआ है, ठीक है। मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई हाफिज़ नहीं, मैं कोई मौलाना नहीं, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा ही सही दिन के करीब आइए इंशाल्लाह, है ना। बाकी किसी की टांग मत खींचिए, किसी को नीचा नहीं दिखाइए। अगर कोई कम फॉलो कर रहा है तो भी उसको आप है ना, मतलब उसको कॉन्फिडेंस दो, आप लोग उसको नीचा ना दिखाओ, ठीक है। और दिन का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, किसी को चिढ़ाना नहीं, है ना। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब किसी को ये नहीं करिए कि आप वो आपसे नाराज़ हो जाए, इससे हमारे दिन पर भी बात आ जाती है। तो हमें बहुत हंसी खुशी रहना चाहिए बेशक, और लोग जब हमको फॉलो करते हुए देखेंगे ना कि यार देखो ये लोग अपने दिन को कितना फॉलो करते हैं, कितना ध्यान देते हैं और कितने अच्छे हैं ये लोग, तो खुद ब खुद दूसरों का ध्यान भी हमारी तरफ जाएगा इंशाल्लाह। बस मेरा यही मानना है और मेरा यही कहना है, प्यार मोहब्बत यही इस्लाम सिखाता है, और बेशक अगर हम अपने नबी के तरीके पर चलना शुरू कर देना तो दुनिया हमारे लिए बेशक हमसे मोहब्बत करने लगेगी, कोई दुश्मन नहीं बनेगा। चलिए आइए आगे बहुत कुछ देखना, आपके भतीजे और आपके भांजे के लिए दुआ करना। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।